मैं मनोज कुमार एएसटी न्यूज़ से दिल्ली क्राइम रिपोर्टर क्षेत्र कापासेड़ा में मौजूद हूँ। हमारे सामने जितेंद्र यादव जी मौजूद हैं, लोकेंद्र जी के फादर हैं। 41 डेज हो गए हैं लोगों की सेवा करते हुए, निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं बगैर किसी प्रशासनिक अधिकारियों के। इनके स्वयं के वॉलेंटियर जो है यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो जितेंद्र जी, आपसे वार्ता का पहला पहलू शुरू करते हैं हम आपसे। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस तरह की सेवा करने की? देखिए मनोज जी, जब मुझे लगा कि ये पूरी दुनिया पे एक संकट आया है और ये मेरे यहाँ भी आ गया है संकट, तो मुझे उस दिन लगा कि गरीब आदमी को बहुत सख्त ज़रूरत है अपनेपन की, प्यार की। जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो बाहर से मेरे गांव में रह रहे हैं, प्रवासी भाई हैं, पूर्वांचली भाई हैं, मजदूर हैं, जिनका उसी दिन पहले दिन ही रोज़गार बंद हो गया था, मुझे बड़ी चिंता हुई। और ये मुझे अपने बुज़ुर्गों से मिला है, मेरे संस्कारों में है, मेरे परिवार के संस्कारों में थी ये चीज़ें। तो मुझे लगा कि उस दिन के जिस मजदूर जो रोज़ कमा के खाता है वो कैसे खाए। तो मुझे लगा भगवान ने मुझे इस लायक किया है, थोड़ा सा मुझे हल्का सा इस लायक किया है, मेरे परिवार की वजह से, मेरे पिताजी की वजह से मुझे इस लायक किया है, तो मैं क्यों ना हेल्प करूँ। मैंने पहले दिन ही सोचा कि हम इसके लिए खाना, पानी, बच्चों के लिए दूध, सैनिटाइज, फॉगिंग, ये हम शुरू करते हैं। तो पहले दिन हमने शुरू किया तो हमारे यहाँ 2 पतीले लगे थे, मुझे याद है 2 पतीले सामान लगा था, और आज मुझे ये नहीं पता कितना माल लग रहे हैं। 100 पतीले लग रहे हैं, 50 पतीले लग रहे हैं, 80 पतीले लग रहे हैं। उसके बाद हमने पूरी खाने की व्यवस्था की और वो चल रहा है रूटीन में। आज 41वां दिन है, ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। क्या आपको अभी तक किसी दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारी का सहयोग मिला? नहीं, मुझे कोई सहयोग किसी किस्म का ना मैंने मांगा और ना मुझे ऐसी महसूस हुआ कि मैं कोई सहयोग मांगूं प्रशासन की तरफ से। जिस दिन मुझे लगेगा उस दिन मैं प्रशासन से भी कोई सहयोग मांग लूँगा, मुझे इसमें भी कोई शर्म नहीं है। लेकिन अभी 41 दिन से मुझे लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, ये समस्या हट जाएगी, लेकिन नहीं हुई। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसको जारी रखें आगे भी। तो गरीब आदमी के साथ हम खड़े हैं और मेरी और लोगों से भी अपील है कि इस टाइम गरीब लोगों को प्यार दीजिए, ना कि उनको धमकाइए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। आप उनको अपने घर में खाना दीजिए, आप उनका उनकी हिम्मत बढ़ाइए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उनके साथ झगड़ा फसाद ना हो कोई, उनकी सोच देखिए समस्याएं क्या क्या हैं, उस समस्याओं को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा और आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और रात को आपको बहुत अच्छी नींद आएगी कि मैंने अपनी कमाई में से आज कुछ अच्छे काम में लगाया है। राजनीतिक प्रेरित जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मनोज जी, मैं राजनीतिक लोगों को सभी को ये कहूँगा कि इस टाइम सारी राजनीति को भूल के, किसी की भी, चाहे सरकार है, देश में जो सरकारें चल रही हैं, चाहे पक्ष की हैं चाहे विपक्ष की हैं, वो भी मिलके काम कर रही हैं एक दूसरे के साथ। तो मेरा भी एक, हमारा गांव है, हमारा इलाका है, मेरी सभी से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब मिलजुल के करिए, किसी की एक दूसरे की बुराई ना करिए, एक दूसरे की कमियाँ नहीं निकालिए, ये मत सोचिए वो ये कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। एक दूसरे की मेरी सबसे हाथ जोड़ के दोबारा से प्रार्थना है कि इस काम को ये सोच के करें कि जो हमारे यहाँ लोग, जैसे रिश्तेदार किसी के घर आता है और उसकी हम सेवा करते हैं, तो इस टाइम इनको हम ये सोच के रखें कि ये हमारे जानकार हैं, हमारे परिवार हैं, हमारा परिवार है और हम इनकी सेवा करें। सारे राजनीतिक भाइयों से मैं कहता हूँ, आप भी मेरे साथ आइए या मैं आपके साथ आ जाता हूँ, और मिलजुल के इस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ना कि किसी द्वेष भावना में, ना कि किसी राजनीतिक में, ना इसको किसी वोट के उससे जोड़ें, ना किसी राजनीति से जोड़ें, मुझे कुछ नहीं करना इससे राजनीति से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, मेरा सहयोग करें या मैं आपके साथ। गांव का किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं? देखिए, कोरोना जो एक बीमारी है वो बड़ी गंभीर रूप लेती जा रही है और कापासेड़ा में भी, मुझे अभी लगा है कि कापासेड़ा में भी बढ़ गई, इसलिए हमें अपना थोड़ा सा डिस्टेंस बनानी चाहिए, एक दूसरे की बात माननी चाहिए, प्रशासन की, दिल्ली पुलिस की, और जो लोग हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं जो। तो मैं कोरोना से बचने के लिए भी कहूँगा कि बहुत भयानक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स भी अभी हमारे बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी इसका कोई प्रयोग सफल नहीं हुआ है। तो मेरे गाँव को बचा के रखिए और वो तभी बचेगा तब हम सब मिलजुल के काम करेंगे और उसमें एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मारना
या धमकाना या रस्तों में बंद कर देना, वो कोई समाधान नहीं है। इसका एक ही समाधान है कि आप सहयोग करिए। मेरे यहाँ से जो भी किसी को हेल्प चाहिए वो अपने यहाँ ले जाके कोरोना से बचने के लिए अपने यहाँ खाना सर्व करा सकता है। हमारे क्षेत्र के सांसद रमेश विदुड़ी जी, MLA जून साहब, निगम पार्षद आरती यादव जी और पूर्व निगमेंगे कि एक एम्बुलेंस टेम्परेरी जब तक कोरोना महामारी है वो यहाँ अवेलेबल कराएं। आपके माध्यम से हम संदेश पहुँचाना चाहेंगे ST न्यूज़ से। देखिए मनोज जी, जिस तरह से अभी मैं सुबह सुबह देख रहा हूँ, एक मरीज 2 घंटे से सड़क पे पड़ा है गर्मी के अंदर। सारे प्रशासन को हम फ़ोन कर चुके हैं, सबको फ़ोन कर चुके हैं, और एक आदमी मेन रोड पे 2 घंटे से, तो इंसान की ज़िंदगी की शायद मुझे लगता है कोई कीमत नहीं है। दिखावा और फ़ोटो खिंचवाने पे ज़्यादा ध्यान है लोगों का, और सच्ची इंसानियत पे कम ध्यान है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसके भी पास पावर है, ताकत है, हमारे पास ना कोई पावर है ना कोई ताकत है, हम तो हाथ जोड़ने वाले जो सत्ता में लोगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कापसेड़ा गांव की तरफ ध्यान दीजिए और एक एम्बुलेंस का इंतजाम, क्योंकि आए तीसरे दिन यहाँ कोई ना कोई मरीज मिल रहा है, तो हमें कोई एम्बुलेंस यहाँ खड़ी करा दी जाए, ताकि हम प्राइवेट एम्बुलेंस दे दी जाए, और उसका कोई चार्ज भी होगा तो हम दे देंगे, उसका गांव वाले मिलके हम दे देंगे गांव के सहयोग से। लेकिन हमें सख्त ज़रूरत है इस टाइम एम्बुलेंस की, जो हमारे यहीं खड़ी रही परमानेंट। तो मैं ये प्रशासन से और सत्ताधारी जितने भी हमारे नेता हैं, मैं उनसे सहयोग चाहूँगा और तुरंत चाहूँगा, आज ही चाहूँगा, ताकि हमारे यहाँ कोई आदमी 2 घंटे इनको इतला करें। ये आपके घर तक की व्यवस्था उस कॉलोनी तक पहुँचाने के भी समर्थ हैं। भगवान का दिया अभी इनके पास काफ़ी है, टाइमिंग और बना रहेगा। आप अपने खाने की जरा टाइमिंग बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए मेरे यहाँ खाना सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक मिलता है और शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक मिलता है। अगर उसके बावजूद भी हमें कोई फ़ोन करेगा कि कोई नहीं आने दे रहा, कहीं से नहीं आ रहा, घर में भूखा है, कहीं भी पूरे इलाके में, ये नहीं कापसेड़ा में, मैं पूरे इलाके के लिए बोल रहा हूँ, और हमारे यहाँ आते भी रहते हैं, अभी भी कुछ लोग खड़े हैं जिनको कच्चा राशन चाहिए, जिनके घर में सच में नहीं है, और आज एक लोअर मिडिल क्लास तबका भी इससे ना इसके दबाव में आ गया है, उसको भी ज़रूरत है। वो बेचारा किसी को कह नहीं सकता कि मुझे राशन चाहिए, लेकिन वो छुपे मुँह आता है कि मुझे राशन की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ हमें फ़ोन करिए, हमारे वॉलंटियर्स को बताइए, मनोज जी को बताइए, उसके आसपास में कोई और है तो गांव में कहीं भी इलाके में बताइए, तो हम व्यवस्था करेंगे कि हम उसके घर उसका खाना पहुंचाना चाहेंगे। क्या संदेश देंगे आप AST न्यूज़ पे? मैं AST न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले तो, कि आप मेरे पास आए और मेरी बात को पब्लिक तक पहुँचाया, आम जन तक पहुँचाया, सत्ता तक पहुँचाया, प्रशासन तक पहुँचा रहे हो मेरी बात, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि मेरे इलाके में बीमारी भी ना बढ़े, बच के रहें, एक दूसरे का बचाव रखें, कहीं तो बीमार है तो बताएं उसके बारे में, उसकी हम हिम्मत करें, उसकी हम हेल्प करें और उसको हम आगे बढ़ाएं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को अपने को ऐसे ही चलाते रहिए, टाइम टाइम से चलाते रहिए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहे। फिर मैं अपील करना चाहता हूँ, कहीं भी कोई भी पूरे इलाके में ये लगे कि उसको खाना लेने नहीं आ सकता, चुपचाप मेरा मोबाइल नंबर है 9811870654, मुझे चुपचाप फ़ोन करिए, आपके घर खाना पहुंचेगा और पैक खाना पहुंचेगा। ये मेरी आप सभी से अनुरोध है कि मुझे फ़ोन करें। बोल रहे हैं प्रेरणा इन्होंने अपने बुजुर्गों से पाई था, और जो आपने मैसेज दिया जनता तक बहुत ही अच्छा मैसेज था, शुक्रिया आपका AST न्यूज़ पे आने के लिए। हमारे वॉलेंटियर कैमरामैन और रिपोर्टर पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जितेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, अपनी रसोई का व्यवस्था दिखा रहे हैं, किस प्रकार खाने की व्यवस्था चल रही है। हमने यहाँ किचन का जो है कार्यभार देखा है, जैसे कि खाना बन रहा है, खाना बड़ी साफ सफाई से बन रहा है। ये लेडीज जो अपना खाना बना रही है, अभी लंच का टाइम है तो ये अपना खाना बना रही है। ये हमारी रोटी बनाने, इलेक्ट्रिक है या गैस की है? ये गैस और इलेक्ट्रिक दोनों से चलती है। इस मशीन से जो है कितनी रोटियां निकल जाती है? इसमें 1300 रोटियां 1 घंटे में निकलती हैं। 1300 रोटियां लगभग इससे निकल रही है 1 घंटे में। जैसा कि शाम को रोटियां देते हैं, चावल शाम को यादव जी बता रहे हैं, इसमें से ये
आटा गूंथने की मशीन है ताकि किसी लेडीज का हाथ ना लगे, इन्होंने ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी है, बहुत बढ़िया है। कटर भी हमारे पास, जो पेड़े काटता है कटर भी आपको मिलता है। ये हम किचन का दिखा रहे हैं जहाँ से लगभग 41 डेज हो गए हैं। जी जी, ये हम स्टोर रूम में आ गए हैं, यहाँ स्टोर है जी। चावल है, प्रचुर मात्रा में चावल है और चीनी है, बेसन है, दाल है, रिफाइंड है। ये रिफाइंड है, देखकर जो है दिल खुश हो गया है। ये शायद फॉगिंग मशीन है, फॉगिंग मशीन है जिसका अभी गांव में प्रयोग किया गया था मच्छर मक्खी मारने के लिए। ये आलू छीलने की मशीन लाया अंकल ने, ये सब्जी कटर लेके अंकल जी जाके ये सब्जियां बनाने में दिक्कत आती, इसमें 15 मिनट में एक बोरी आलू छिल जाएगा। हाँ, तो मतलब इसमें आधे घंटे में एक बोरी आलू कट जाएगा। तो हमारी इच्छा है कि अभी हम पैक फूड, हमारी इच्छा है कि हम लोगों को पैक फूड जिसमें हम चार रोटियाँ, चावल, एक सब्जी, अचार और उसके साथ दो चम्मच, वो हम लोगों को पैक फूड भी अवेलेबल कराएंगे ताकि ज़रूरतमंद हमारे से उस टाइम भी ले जा सकें। आप अपनी का नंबर है 9811870654। फिर मैं दोबारा से यही संदेश देना चाहूँगा कि आप गांव में शांति बनाए रखें, गरीब लोगों की मदद करते रहिए, आपस में प्यार बना के रखिए, एक दूसरे का प्यार बना रहे, क्योंकि लंबे समय से हम इन लोगों से जुड़े हुए हैं और आगे भी हम इन लोगों से जुड़े रहे। इनको ये महसूस ना हो कि हमारे ऊपर कोई संकट आया तो हमारे साथ ऐसा हुआ, तो क्यों ना हम इनको हम एक अपना परिवार, अपना घर समझ के एकता के साथ पूरा कपाशेड़ा रहे, पूरा इलाका रहे, पूरी दिल्ली रहे। ये मेरा संदेश है सभी के लिए और मैं चाहूँगा कि इस पर सब अमल करें। AST न्यूज़ से मनोज कुमार, क्राइम रिपोर्टर, दिल्ली क्षेत्र कापाछेड़ा में है, जहां लोकेंद्र के अननेसेसरी परेशान ना करें। खाना आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपके क्षेत्र में व्यवस्था कराने की भी बात हो गई है, आपको खाना मिलेगा अगर आप उसके जरूरतमंद हैं तो। खाना, दवाई, दूध सब कुछ मिलेगा। दूध की हम थैलियां मंगाते हैं 200 ml के, अमूल के हम दूध की थैलियां मंगाते हैं, 200 ml के पैकेट्स मंगाते हैं, वो दो दो हम सबको देते हैं, सिर्फ छोटे बच्चों को, जो बच्चे दूध नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते जी, उनके लिए हमने दूध अवेलेबल कराया है। और वो हम कोशिश करते हैं कि शाम के टाइम उन बच्चों को ही दिया जाए, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण दूध की, तो उसको हमने सिस्टम बढ़ाने के लिए 2 दिन का बीच में गैप देना पड़ा, टाइम लग रहा हमें, अब वो भी सिस्टम हमारा जारी है। किसी को दवाई चाहिए, ज़रूरतमंद को किसी को दवाई चाहिए तो हमारे पास केमिस्ट्री दुकान पर दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, और वो हम उन्हीं की मदद करते हैं जिनको सच में ज़रूरत है। बहुत बढ़िया, नेक विचार, अच्छे विचार हैं, जन सेवा कर रहे हैं, नारायण सेवा कर रहे हैं। जिस प्रकार सेवा चल रही है उससे लगता है हम जल्दी ही कोरोना से मुक्त होंगे।